मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाना, चुपचाप पढ़ाई करो, बैठ के एग्जाम चल रहे हैं। मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं बिना पूछे कहीं भी चले जाऊंगा। इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ जो मुझसे बिना पूछे कहीं भी चला जाए। लेके पहला पहला प्यार, क्या बात है, आज इतना मुंह लटकाए क्यों बैठा है? अरे पापा मेरे दोस्त को बुखार आ गया। अरे तो बेटा बुखार है तो गोली खा के दो दिन में सही हो जाएगा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अरे पापा वो कल स्कूल नहीं आएगा। हाँ तो पापा कल मेरा एग्जाम है, मैं क्या लिखूंगा? मैं उसी की देख के ही तो नकल मारता था। अरे यार जल्दी से मेरी घड़ी लाओ यार, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे ला तो रही, दो मिनट सबर कर लो, हमेशा रोते रहते हो। पता नहीं भगवान मेरा रोना कब खत्म होगा। कभी खत्म नहीं होगा। याद करो वो दिन जब तुमने मेरे पूरे खानदान को मेरी विदाई पे रुलाया था, तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगी। ये भगवान क्या जुलम है। सुनो जी, वहाँ तो कपल पार्टी और आप तो अकेले जा रहे हो, अच्छा लगेगा? अरे सब अच्छा लगेगा यार, ऐसे अकेले मुंह उठा के जाओगे ना तो वहाँ तुम्हें सब अनपढ़ गवार समझेंगे। ऐसा है, मैं गवार नहीं हूँ, पड़ोसन साथ जा रही है मेरे। अच्छा आज बेटा यहाँ से हिल ना जाना, चुपचाप यहाँ बैठो। चलो यार जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं यार। हाँ हाँ चलो, मैं तो तैयार हूँ। ऐसे जाएगी क्या? अरे थोड़ा घूंघट तो ले ले। अरे घूंघट के चक्कर में हमारे गांव की नई बहू किसी और की बाइक में बैठ के चली गई, आज तक नहीं पता उसका। अच्छा तो मैं घूंघट कर ही लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तू ऐसे ही अच्छी लग रही है यार, मॉडर्न जमाना, ऐसे चल ऐसे चल, वैसे भी सूट में कौन घूंघट डालता है, ऐसे चलते हैं, चल चल चलो चलो। कल किस चीज का पेपर है तेरा? इंग्लिश का है पापा, सब तैयारी है। अच्छा इंग्लिश का पेपर है ना, चल बता ये गाड़ी में क्या लिखा है इसमें। ENT अंडरवियर। अंडरवियर क्या नंबर लाएगा तू? सुनो तुमने हमें ऐसा कहा देखो तो कि तुमने शादी के लाने तोड़ते ही हाँ कर दी। हमने तुम्हें अपनी बालकनी से एक बार बर्तन धो धोए देखो तो तब ही हम समझ गए कि लड़का सर्व गुण संपन्न है, तब ही हमने हाँ कर दी। ऐसी बात। सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीने आराम करने के लिए कहा है, आप मुझे कहाँ लेके जाओगे, शिमला, मनाली, गोवा या फिर स्विट्जरलैंड? दूसरे डॉक्टर के पास। लोग कहते हैं माँ रात की उतरी कि नहीं उतरी? हाँ यार थोड़ा ज्यादा पी ली थी कल रात, सॉरी। हाँ लेकिन देख, तू बोलती है ना कि दारू पी के गाड़ी मत चलाया करो, तो कल मैं पार्टी से कैब करके निकला था, मैंने खुद गाड़ी नहीं चलाई। अरे आग लगी ऐसे पीने को, पार्टी तो अपने घर पे थी, तुम कहाँ निकल गए थे? तभी मैं सोचूं अपनी गाड़ी घर वापस कैसे आ गई। थक गया यार, सुनो जल्दी से खाना लगा दो यार, बहुत भूख लगी है। सॉरी यार आज खाना तो नहीं बना पाई। अरे यार मैं रोज रात को खाना बनाता हूँ ना, आज अगर मैं लेट हो गया, मैं तुम्हें बोला भी था कि मैं लेट हो जाऊंगा, तुम मेरे लिए एक दिन डिनर नहीं बना सकती हो? सॉरी यार। क्या सॉरी यार, अब मैं बाहर जाके खाऊंगा। अच्छा 10 मिनट रखो। अरे 10 मिनट में क्या कर लोगी यार? अरे 10 मिनट में मैं तैयार होके आती, फिर दोनों लोग बढ़िया खाने चलेंगे मजे से। अरे बेटा क्या हो गया, ऐसे रोने जैसी शक्ल बना के क्यों बैठा है? अरे मम्मी मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, कल एग्जाम है और मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा। अरे बेटा इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, 2-4 नंबर कमी तो आएंगे, क्या हो गया? अरे बेटा अपने पापा को देख, 3-3 बार फेल होके भी कितना एंजॉय से जी रही है बेशरम बन के, और देख इनको मेरे जैसी सुंदर बीवी भी मिल गई है। तो मेरा अच्छा बच्चा है, थोड़े बहुत मार्क्स कमाएंगे तब भी चलेगा मेरा बच्चा। दोस्तों अजीब समस्या है, दिवाली में अलमारी खोलो तो सारे कपड़े पुराने लगते हैं, और होली में अलमारी खोलो तो सारे कपड़े नए लगते हैं। मैं तो बड़ी परेशान हूँ। अरे दोस्तों हम औरतों का दर्द तो कोई भी नहीं समझ सकता, जिस दिन हमारी पति के साथ लड़ाई होती ना तो उसी दिन शाम को मेहमान आके टपक जाते हैं, फिर ना चाहते हुए थोबड़े में इतनी बड़ी स्माइल लेके घूमना पड़ता है, फिर कहते हैं लो जी चाय ले लो, लो जी ऐसा कर लो, फिर ना चाहते हुए सब कुछ करना पड़ता है।
भगवान तुम्हारे जैसा पति किसी को ना दे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आप दुनिया के पहले ऐसे पति हो जो कभी कोई गिफ्ट नहीं देते। गिफ्ट नहीं देते? अरे पड़ोसन से जाके पूछो जरा। दोस्तों अजीब समस्या है, दिवाली में अलमारी खोलो तो सारे कपड़े पुराने लगते हैं और होली में अलमारी खोलो तो सारे कपड़े नए लगते हैं। क्यों जी, आज से ना मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। थैंक यू यार। वजह नहीं पूछोगे? रहने दे, वजह पूछूंगा तो फिर लड़ने लग जाएगी। शर्म नहीं आती है? आधी रात को घर आए हो, कौन से दोस्त के साथ पार्टी चल रही थी, क्या कर रहे थे 4 घंटे से? अरे यार वो दोस्त लोग कह रहे हैं चलो आज 3 पत्ती हो जाएगी, थोड़ी देर खेलने लग गए। अच्छा तो अब तुम जुआ भी खेलने लग गए? अरे त्योहार आ रहा है ना इसलिए थोड़ा। अरे दीपावली में जुआ खेलते हैं, होली में जुआ कौन खेलता है? आज की कमाई पूरे 10,000 जीता हूँ। कोई बात नहीं, होली हो चाहे दिवाली हो मजा आता है दोस्तों के साथ खेलने में। कोई बात नहीं, आप हर हफ्ते खेला करो और जीत के लाया करो। फिर लाजी हो रहा है।